नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपके बीच हाजिर हूं आज की मुख्य खबर को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे ऐसी खबरों को लेकर जिनसे अभी बारिशों के बाद जो अभी थमा है मौसम, आज दोबारा से मौसम ख़राब है, परंतु हम पिछली बारिशों में जो हालात जिला सोलन के रहे हैं और कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इन हालातों की वजह से हम उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। और जिला सोलन की हम सबसे पहले बात करते हैं। जिला सोलन के अंतर्गत धर्मपुर से सुवाथू जाने वाले रास्ते पर कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, हम उनकी आपके बीच चर्चा करेंगे और आपको बता देंगी। धर्मपुर के आगे बावा रिजॉर्ट नाम का एक होटल है जिसको पहले विक्टोरिया होटल के नाम से जाना जाता था, उसके साथ आगे काली माता का मंदिर है, वहाँ पर बादल फटने से जो है सड़क बिल्कुल सड़क का नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। वहाँ पर बहुत सारा मलबा जो है जमा हो गया है और सड़क ने जो है एक नाले का रूप ले लिया हुआ है। उसके बाद उसी रास्तों पर 3-4 जगह जो है रास्ता ब्लॉक था। उसके आगे जो है जैसे विक्टोरिया होटल से आगे जब हम जाएंगे उसके आगे रोड़ी नाम की जगह आती है, वहाँ पर भी घर में जो है नाले के साथ जो घर बने हुए हैं उनमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होने से जो है उन घर के सदस्यों का जो है रेस्क्यू किया गया है। और उसके बाद आगे मोहरी में भी एक लाश से गिरे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम उन सब की वीडियो आपके बीच दिखा रहे हैं। उसी के साथ कटनी एक जगह आती है, कटनी में भी लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद जैसे ही नया नगर आता है सुवाथू से 1-2 किलोमीटर पीछे, वहाँ पर भी बहुत सारा जो है मलबा जो है बारिश का इकट्ठा हुआ है सड़क में, जिससे जो है सड़क प्रभावित हुई है कहीं ना कहीं और रास्ते बंद है वहाँ के। और उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो मिलिट्री एरिया की जो चेक पोस्ट आती थी सुवाथू की, वहाँ पर भी जो पेड़ गिरने के कारण जो है रास्ता बंद था। ये थी धर्मपुर और सुवाथू रोड की कुछ बातें जो मैंने आपके बीच रखी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले परवाणु की, जो एक इंडस्ट्री एरिया भी है। आपको पता होगा परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाला एक इलाका है और परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश का लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। परवाणु में एक जगह पड़ती है दिल्ली नाम की, एक जगह पड़ती है दिल्ली नाम की। दिल्ली से जो है मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने एक वीडियो भी मुझे भेजा हुआ है। दिल्ली में क्या हुआ है कि घरों के जो पहाड़ों के ऊपर घर है वहाँ पर सेम मंडी के बिल्कुल अपोजिट साइड की मैं बात बता रहा हूँ। दिल्ली नाम की जगह है परवाणु में, सेम मंडी जहाँ पर परवाणु की सेम मंडी है वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ। सेम मंडी के अपोजिट साइड जो पहाड़ियों के ऊपर घर बने हुए हैं उन घरों में क्या है कि पानी जो है पहाड़ों का पानी जो आ रहा है वो उन घरों में जा रहा है और वो पानी आने से जो घर कहीं ना कहीं उन घरों को भी खतरा बना हुआ है। और उन गांव के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं वो भी लोहे के हैं और वहाँ पर पानी का सैलाब इतना ज़्यादा है कि हमें जो है यहाँ पर खतरा बना हुआ है। हमारे जो खंभे हैं वहीं से कहीं करंट आकर हमारे घरों में ना आ जाए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही पानी से भरी हुई जगह है। वो वहाँ पर पहाड़ों से पानी जो रिस रहा है आ रहा है वो उन घरों में जा रहा है डायरेक्टली। उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं आपके बीच दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे जिला शिमला की, और जिला शिमला के अंतर्गत आने वाले रामपुर में। रामपुर की घटना बहुत दर्दनाक है और इस घटना में मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है NH05 नोगली जगह पड़ती है रामपुर के पीछे, वहाँ की ये घटना है। नोगली रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण 4 लोगों की देर रात को मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें ये मृत्यु किस वजह से हुई है इसकी भी हम आपके बीच चर्चा करेंगे। इसका भी मुझे एक फ़ोन कॉल आया था रामपुर से और उन्होंने बोला है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, आप इसका भी एक छोटा सा वाक्य सरकार के सामने रखें। तो हमने उनकी बात रखने के लिए इस खबर को एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए बनाया है और इस खबर में हम बताएंगे कि किन कारणों से जो है इन चार लोगों की मृत्यु हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे नोगली के पास NH05 की एक खबर है, रामपुर की तरफ जाते हुए रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहाँ पर एक नाला, उस सड़क ने जो एक नाले का आकार ले लिया है और जो सीधा सतलुज नदी से मिलता है जाकर के। तो रात को एक महिला बीमार होने के कारण 3 लोग उस महिला को गाड़ी में अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे। देर रात
रास्ते में नाला बनने के कारण और वो नाला जो है सतलुज नदी में मिलता है। इन दो परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक तो सड़क टूटी हुई थी वो उसने नाले का आकार लिया होता, दूसरी परिस्थिति ऐसी थी कि वो नाला सीधा सतलुज से मिलता था। वहां पर NH की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आई है क्योंकि वो मेन नेशनल हाईवे है NH 05 जो किन्नौर के साथ मिलता है जाकर के, और कहीं ना कहीं वो किन्नौर से आगे भी जाता है अपने जो जितने भी वहाँ पर एरियाज हैं आगे किन्नौर से आगे वहाँ भी वही एक ही एकमात्र ऐसी सड़क है वो जो जाती है। तो उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने कोई लाल झंडी नहीं लगाई थी या कुछ इस तरह का वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं किया था कि हाँ गाड़ियाँ आगे ना जाएं देर रात जब किसी पेशेंट को लेकर जा रहे, तो वो गाड़ियाँ भी कहीं ना कहीं गाड़ी वाले की भी लापरवाही इसमें रही होगी कि उसने वो खड्डा नहीं देखा। पर इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि वो खड्डा देखता कहाँ से, क्योंकि वहाँ पर कोई वहाँ पर उन्होंने लगाया नहीं था ना वहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ लगा रखा था, जिस कारण उस गाड़ी के गिरने से चार लोगों की मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि सतलुज नदी का बहाव इतना तेज है कि अभी तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया है। जो मृतक हैं उनके नाम क्या क्या हैं, शीतला देवी वाइफ ऑफ मोहर सिंह और इनकी उम्र 29 साल है और यह लाडो गांव के रहने वाले थे। इन्हीं के साथ राजीव हैं 33 वर्ष के, ये भी लाडो गांव के रहने वाले थे। इनके साथ एक और व्यक्ति थे मेहर सिंह, जिनकी उम्र 37 वर्ष है, ये भी लाडो गांव के रहने वाले थे। और जबकि एक और महिला जो उस गाड़ी में थे उनका जो है 55 से 60 वर्ष के बीच की आयु बताई जा रही है, परंतु अभी तक उन महिला का कोई पता नहीं चल पाया कि वो महिला कौन है और कहां से थी। वैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो महिला भी इन्हीं के गांव की थी, बाकी आगे जानकारी जो है मिलने के बाद ही पता लगाया जाएगा कि ये महिला कहाँ की थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे श्रीखंड महादेव की। तो श्रीखंड महादेव की बात करने से आपको पता ही होगा, श्रीखंड महादेव जो है एक देव की भूमि है, हमारे देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश वैसे ही मानी जाती है। और हिमाचल प्रदेश के इस देवों की भूमि में श्रीखंड महादेव की यात्रा एक बहुत ही कठिन यात्रा मानी जाती है और इस यात्रा को करने के लिए बहुत से लोग तैयार भी हैं और बहुत से लोग जाना भी चाहते हैं। और जो गए हुए लोग हैं उनकी परिस्थितियां मैं आपको अभी बताऊंगा। श्रीखंड महादेव के ऊपरी इलाके जैसे हैं, वहां पर जो श्रीखंड महादेव है वहां का जो ऊपरी इलाका है वहां के हालात अभी थोड़े अस्त व्यस्त हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी बारिश और मौसम खराब होने के कारण जो है अफरा तफरी मची हुई है। कहा जा रहा है कि वहां पर लोग जो हैं रास्ता भी भटक चुके हैं, कुछ एक लोगों अभी लापता हैं और वहाँ पर एक निर्मंड तहसील के अंतर्गत, सब तहसील निर्मंड के अंतर्गत जो वहाँ का इलाका है, वहाँ का एक लड़का एक व्यक्ति ऊपर गया हुआ था, व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ऊपर ही, और उसको भी रेस्क्यू करके नीचे लाया गया है। और इसी के साथ हमारी खबर समाप्त होती है। आप सभी दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो भी भगत अभी श्रीखंड महादेव जाने का सोच रहे हैं वो अभी इसको थोड़ा रोकिए, क्योंकि अभी हिमाचल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आप यात्राएँ कर सकें और घूमने फिरने निकल सकें कहीं बाहर। कृपया आप घर में रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि घरों में ही अभी आपकी सुरक्षा है, बाहर कुछ भी हानि हो सकती है। आपसे बचें और बाहर ना निकलिए घरों से क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। और श्रीखंड महादेव जाने वाले यात्रियों को मैं सबको सूचित करना चाहता हूं कि अभी आप श्रीखंड महादेव की यात्रा को रोक दीजिए क्योंकि अभी वहां के हालात ठीक नहीं हैं। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी इस खबर को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके हमारी इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।